दोस्तों, ये जो सर्दियों का समय चल रहा है, कम से कम 3-4 महीने अगर आपको अपने गार्डन में फूलों की भरमार चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का पौधा आप नर्सरी से लाएंगे। क्योंकि नर्सरी जाते हैं आप, उसमें देखते हैं कि बहुत सारे फूल खिले हैं, उस पौधे को आप ले आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना है जिसमें बहुत सारे फूल खिले हैं, उस पौधे को कभी नहीं लाना है। और किस तरीके का पौधा आपने लाना है मैं सब बताऊंगा आपको, और किस तरीके की मिट्टी में उसको लगाना है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम लाते हैं नर्सरी से पौधा और उसे तुरंत हम रिपोर्ट कर देते हैं और कुछ दिनों बाद वो ख़राब हो जाता है। आप कभी भी नर्सरी से पौधा लाते हैं, वो ख़राब होने के रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों ख़राब होता है। उससे पहले आप वीडियो में बने रहिए, और जो लोग मेरे चैनल में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। दोस्तों नमस्कार, नेचर इन थर्ड फ्लोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम नर्सरी जाते हैं और वहाँ से देखिए, जैसे नर्सरी के पौधे में लाया हूँ इस तरीके के, हम पौधा देखते हैं कि इसमें बहुत सारे फूल खिले हैं, तो हमें लगता है कि ये फूल हम घर ले जाएंगे और लगाएंगे तो ये बहुत चलेंगे। लेकिन ये सीजनल फ्लावर प्लांट है, ये फूल जो है 2-4 दिन रहते हैं, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। क्योंकि इसमें जो है सीजनल फ्लावर प्लांट में जो फूल आए हैं, अगर हम ज़्यादा फूल वाला पौधा ले लेंगे तो बस उसकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी फूल देने की पौधे की, और वो पौधा भी ख़राब हो जाएगा। ज़्यादातर कारण ये रहता है कि नर्सरी से पौधा जो ख़राब होता है वो यही कारण रहता है कि हम ज़्यादा जिसमें फूल खिले वो वाला पौधा ले आते हैं। कभी भी नर्सरी से पौधा लाएँ, उसमें एक कली या दो कलियाँ खिली हो या एक फूल खिला हो, इस तरीके का पौधा लाएँ, ये देखने के लिए कि कलर कौन सा है। हम देखते हैं कि उसमें फूल बहुत सारे खिले, अच्छा लगता है, हम ले आते हैं और उसको रिपोर्ट कर देते हैं तुरंत, और वो कुछ दिनों 3-4 दिन बाद वो पौधा सूख के ख़राब हो जाता है। तो आप कभी भी पौधा लाएँ तो उसमें एक या दो कली खिली हो, इस तरीके का पौधा लाएँ। क्योंकि सीजनल फ्लावर प्लांट है, अगर वो ज़्यादा फूल वाला पौधा आप ले आएंगे तो उसकी लिमिट तो ख़त्म हो जाएगी, वो पौधा बाद में ख़राब हो जाएगा। तो एक तो यह है कि आप एक कली या दो कली वाला पौधा लाएँ। दूसरा, आप उसको पौधे को लाते हैं और तो तुरंत उसको रिपोर्ट कर देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना है। आप पौधा लाते हैं, उसको 3-4 दिन जो अपने घर का क्लाइमेट है, अपनी जो बालकनी है उसका क्लाइमेट है, अपने घर के आसपास के वातावरण के में उसको ढलने दीजिए। क्योंकि हम नर्सरी में देखते हैं कि वो नर्सरी में अलग तरीके से रखे रहते हैं पौधे, एक साथ रखे रहते हैं, थोड़ा उसमें ग्रीन नेट भी होती है, तो हम घर में लाते हैं तो वो क्लाइमेट चेंज हो जाता है, पौधों को एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाता है उस घर की जो हम मिट्टी है या कोई भी चीज़ में लगा रहे हैं गार्डन में। तो उसको एडजस्ट होने के लिए 3-4 दिन का आप उसको टाइम तो दें, जो पौधा है उसको टाइम दें, उसको 3-4 दिन वहाँ क्लाइमेट में डलने का, तो आपका पौधा अच्छा चलेगा। एक कारण यह है, दो कारण मैंने आपको बता दिए कि पौधा जो है ख़राब क्यों होता है। तो आप 3-4 दिन उसको टाइम दीजिए, उसके बाद उसको रिपोर्ट करिए। और मैं अब बताता हूँ आपको तीसरा कारण, जो आप मिट्टी जो बनाते हैं उसके लिए, उसको कैसी मिट्टी बनानी है जिससे कि उसमें पौधा बहुत टाइम तक चल सके। दोस्तों नर्सरी से पौधा लाते हैं वो इस प्रकार की, देखिए पन्नी में लगा होता है, और जो ये मिट्टी होती है कहीं पर को लाल मिट्टी होती है कहीं जगह पे, और कई जगह होती है वो भूरी मिट्टी होती है। ज़्यादातर जो पौधे होते हैं ये लाल मिट्टी के होते हैं, और ये कोलकाता से आते हैं, जो नर्सरी में पौधा आते हैं ज़्यादातर कलकत्ता से ही आते हैं, तो वहाँ जो लाल मिट्टी होती है देखिए इसमें लगे होते हैं पौधे। तो आप नर्सरी से जब पौधा लाते हैं उसको जो मिट्टी चेंज करेंगे तो उसमें आपको क्या चाहिए, देखिए 50% आप इसमें जो है गार्डन सॉइल मिलाइए, और 40% इसमें गोबर की खाद, या वर्मी कंपोस्ट जो है 40% मिला सकते हैं आप। 50% मिट्टी, 40% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, और इसमें 10% आप राइस हस्क, आपको कहीं भी मिल जाएगा, चक्की में या धान मिल में आप राइस हस्क वहाँ से ला सकते हैं। राइस हस्क में इसलिए डालता हूँ क्योंकि इसमें जो है पानी अब्जॉर्व करने की क्षमता ज़्यादा होती है, आपको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोपीट थोड़ा सा महंगा आता है इसलिए मैं राइस हस्क लाता हूँ, और कोकोपीट जो होता है वो उसमें जो फंगस लगने का डर ज़्यादा रहता है क्योंकि वो पानी ज़्यादा अब्जॉर्व करता है, इसलिए आप राइस हस्क का ही इस्तेमाल करिए। तो आप 50% जो है गार्डन सॉइल, 40% कोई भी फर्टिलाइजर जैसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, और 10% इसमें राइस हस्क। और एक चीज़ जो मेन है इसमें, जो पौधा जो ख़राब नहीं होता है और पौधे को अच्छी खाद मिलती है इससे, वो ये है।
ये देखिए, ये आप जो लकड़ी जलाते हैं, आजकल सर्दियों का समय है, कई लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, ये जो लकड़ी जलाते हैं उसकी जो राख होती है, आप इसको थोड़ी सी मात्रा में एक मुट्ठी इस मिक्सचर में मिला दीजिए। इसमें क्या होता है, पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, पोटेशियम जो है पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है उससे, और इसमें फंगस लगने का डर भी नहीं रहता है, और इसमें जो कीड़े वगैरह होते हैं, जो कीड़े जो नुकसान कर पहुँचाते हैं पौधे की जड़ को, वो भी नहीं लग पाते। तो आप जो है इसको भी जरूर मिलाइए राख को। इस तरीके से आप इसको मिक्स कर दीजिए, पूरा मिक्स कर देंगे तो आपका ये जो है पॉटिंग मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको मिक्स कर दीजिए पूरा। इसमें जो पत्थर वगैरह हैं, अगर आपके जो गार्डन सॉइल है उसमें पत्थर वगैरह हैं, उनको साइड कर दीजिए। उससे क्या होता है, जो ये सीजनल फ्लावर प्लांट हैं उनकी जड़ें अच्छे से फैल नहीं पाती हैं इन पत्थरों की वजह से। पत्थर के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े जो भी हैं, आप इनको हटा दीजिए। ये देखिए कितना बुरबुरा बनाया, देखिए इसमें जड़ें अच्छे से फैल पाएंगी, और बहुत हल्की मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें अगर हम 40% खाद मिला रहे थे, उससे जो है मिट्टी बहुत हल्की बन जाती है। आप केवल गार्डन सॉइल में ही लगा देंगे ज़्यादा, तो मिट्टी जो है बहुत टाइट हो जाएगी, उससे उसकी जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आप इसको मिलाते रहेंगे अच्छे से, ये आपका सॉइल मिक्सचर तैयार हो गया। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप जब नर्सरी से पौधा लाते हैं इस तरीके से पन्नी में लगा होता है, या ये देखिए इस तरीके के गमले जो होते हैं छोटे, इसमें लगा होता है, जो पन्नी में लगा होता है, आप इसको किस तरीके से निकाल के लगाएंगे। ये देखिए जैसे मैं पौधा लाया, उसमें देखिए जड़ें कितनी बन गई है, ये आपको व्हाइट कलर की सब दिख रही होंगी, ये जड़ें बन गई हैं पूरी। तो ये पौधा ग्रोथ अच्छी नहीं कर पाता वहाँ, क्योंकि ये बच जाता है पूरा। तो आप इसको गमले में लगाएंगे या कोई भी हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे, जैसे देखिए मैं इस हैंगिंग बास्केट में लगा रहा हूँ इसको, ये इसमें अच्छा चल जाएगा। तो आप इसकी जो ये जड़ें हैं इसको हल्का हल्का खोल दीजिए, ज़्यादा तो वो नहीं निकालनी है मिट्टी इसकी, खोल दीजिए बस। इस तरीके से खोल दिया तो ये अपना ग्रोथ अच्छी कर लेगा। ये देखिए ज़्यादा नहीं करना है इसको, और इसको आप लगाएंगे तो उससे पहले आप इस मिक्सचर को हल्का सा इस तरीके से भर लेंगे। ये मिट्टी निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं निकाली तो पौधा वहीं पर रुक जाएगा इसकी जड़ें, और ज़्यादा विकास नहीं हो पाएगा। जड़ों का विकास जरूरी होता है पौधे के लिए, जड़ों का विकास होगा तभी जो आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। इस तरीके से आप इसमें पूरा जो पॉटिंग मिक्सचर बना रखा वो पूरा भर देंगे, और ये जो पौधे में जो पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पीले पत्ते आपने निकाल देने हैं। उससे क्या होगा, नई ग्रोथ स्टार्ट होगी इसमें, और उसमें फूल भी अच्छे आएंगे। पीले पत्ते आपको हटा देने हैं, इसमें फंगस वगैरह लगने का डर रहता है, उसकी वजह से आप इनको हटा दीजिए। ये देखिए ये पौधा आपका बिल्कुल स्टेबलाइज हो गया है, बिल्कुल बढ़िया से। इसमें इस तरीके से आप देखिए हल्का हल्का पानी डाल दीजिए चारों तरफ इसके। सर्दियों के दिन अगर आप इसमें 3-4 दिन में पानी देंगे, जब मिट्टी सूख जाएगी उसके बाद पानी देंगे, तो ये पौधा अच्छा चलेगा। कई पौधे जो होते हैं आप देखते हैं रोज़ पानी डाल देते हैं उसमें, उसकी वजह से भी पौधा ख़राब हो जाता है। आप रोज़ पानी मत डालिए, जब एक दिन जैसे आजकल पानी डाल दिया, 3-4 दिन के लिए बहुत अच्छा इनके लिए पर्याप्त हो जाता है। इस तरीके से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं कोई भी पौधे की। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा मिलाना चाह रहे हैं तो आप नीम खली मिला सकते हैं। मैंने नीम खली इसलिए नहीं मिलाई है, क्योंकि मैंने इसमें जो है लकड़ी की राख डाली है। लकड़ी की राख भी जो है एक कीटनाशक के तौर पर काम करती है, और वह एक खाद का रूप भी होती है, तो इसलिए मैं लकड़ी की राख का ही यूज़ करता हूँ कोई भी पौधा लगाने में। तो इस तरीके से आप पौधा लगाइए, आपका पौधा बहुत चलेगा और उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।